नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में मैं मृत्युंजय पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। सारनी, एक शख्स ने शादीशुदा प्रेमिका की उसके 7 वर्षीय बेटे के सामने चाकू से गला रेतकर की हत्या। सारनी में कल सोमवार को संदीप नाम के शख्स ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और उसे छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात के समय महिला का 7 वर्षीय बेटा भी मौके पर उपस्थित था, जो कि डरकर एक अलमारी में जा छिपा। वहीं हत्या के बाद आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी के द्वारा उसकी प्रेमिका पर चाकू से 16 बार वार किए। आरोपी जब अपनी प्रेमिका को चाकू से गोद रहा था तो उसका 7 साल का बेटा सनद अलमारी में छिपकर सब कुछ देख रहा था। सनद अब इतनी दहशत में है कि आरोपी के जाने के बाद भी वह उस दहशत से बाहर नहीं आ पा रहा है। आमला, बोरदेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत डुडरिया गांव में 13 माह के बच्चे ने घर में खेलने के दौरान पिया बोतल में रखा केरोसिन, हुई मौत। मामला आमला के बोरदेई थाना क्षेत्र के डुडरिया गांव का है, जहां पर घर में खेलने के दौरान एक 13 माह के बच्चे ने बोतल में रखा केरोसिन पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्राप्त खबरों के अनुसार परिजनों ने तत्काल उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। बैतूल, सीधी में पत्रकारों के साथ हुई घटना का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया आवेदन। बैतूल में कल आम आदमी पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर सीधी में पुलिसकर्मियों के द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए अवैधानिक कृत्य के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने इस मामले में जो जो लोग सम्मिलित हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करी। बैतूल बाजार पुलिस ने धारा 151 के अंतर्गत एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मेडिकल के लिए लाया जिला अस्पताल। मामला बैतूल के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक आरोपी को धारा 151 के अंतर्गत कल बैतूल बाजार थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जहां उक्त युवक को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया। गौरतलब है कि उक्त युवक पर धारा 151 के अंतर्गत मारपीट का एक मामला पंजीबद्ध है। बैतूल, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, महंगाई पर मुख्यमंत्री को घेरा। बैतूल में कल युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, व्यापम में हुए भ्रष्टाचार की जांच और सेना की भर्ती निकालने के लिए प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लल्ली चौक से रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं युवा कांग्रेस इकाई के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई, जहां राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि हाल ही में हुए व्यापम घोटाले में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बैतूल पुलिस ग्राउंड पर आज हुआ 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। बैतूल के पुलिस ग्राउंड में आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सर्वप्रथम हरी झंडी दिखाते हुए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, नगरपालिका के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। आमला, जीआरपी पुलिस आमला ने लूट और चोरी के मामले में एक आरोपी को होशंगाबाद से किया गिरफ्तार, कराया मेडिकल, भेजा जेल। आमले की जीआरपी पुलिस ने 6 माह पहले ट्रेन में हुई लूट और चोरी के मामले में एक आरोपी को होशंगाबाद से गिरफ्तार किया है। कल 11 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मेडिकल के लिए उक्त युवक को जिला चिकित्सालय लेकर आए। आपको बता दें कि उक्त युवक के मेडिकल के पश्चात उसे न्यायालय में पेश किया गया। मुलताई, बरई घाट में बाइक हुई अनियंत्रित, 2 व्यक्ति हुए घायल।
मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरे के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उस पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां मुलताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों युवकों को लाया गया। लोकेश पिता सुखराम उम्र 24 वर्ष और रवि पिता मुन्नालाल ग्राम खैरवानी उम्र 28 वर्ष का डॉक्टर के द्वारा उपचार किया गया, जहां रवि की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। प्रभात पट्टन ग्राम बायगांव में श्री राम कथा में शामिल हुए पूर्व मंत्री एवं मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ग्राम विकास हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रभात पट्टन के बायगांव में चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा के समापन अवसर पर कल पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर पूजन अर्चन करते हुए आरती उतारकर श्री राम कथा का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने श्री राम कथा से प्रेरित होकर अपनी विधायक नीति से ग्राम के विकास हेतु 10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुलताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर का हुआ तबादला, बनाई गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उप सचिव। पवित्र नगरी मुलताई में पिछले 2 सालों से पदस्थ आईएएस एसडीएम हरसिमरनप्रीत कौर का तबादला मुलताई से कर दिया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। उनका यह तबादला मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस्ट के द्वारा किया गया है। उनके स्थान पर मुलताई का एसडीएम अभी किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। आपको बता दें कि मुलताई में आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर का कार्यकाल काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। उन्होंने मुलताई क्षेत्र में सारे कार्य सुचारू रूप से संचालित करवाए, साथ ही साथ शांति व्यवस्था को पूर्ण रूप से बनाए रखा। ताप्ते अर्जुन मीडिया परिवार आईएएस ऑफिसर हरसिमरनप्रीत कौर को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मुलताई ग्राम करज गांव में नजर आए दो बड़े सांप, सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने किया सर्पों का रेस्क्यू। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करज गांव में राजेश बनकेड़े के घर के ठीक पीछे दो सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को दी, जहां श्रीकांत मौके पर पहुंचे एवं कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सांपों का रेस्क्यू कर लिया। श्रीकांत ने ताप्ती अर्जुन मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दोनों सांपों की लंबाई करीब 8 से 10 फीट की थी। दोनों सांप धामन प्रजाति के थे, जिसमें से एक नर और दूसरी मादा थी। दोनों को आबादी इलाके से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। मुलताई दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल का दूसरा दिन, भाजपा और कांग्रेस के कई नेता पहुंचे नगरपालिका, लेकिन नहीं निकल पाया कोई भी रास्ता। पवित्र नगरी मुलताई में दैनिक वेतन भोगियों की हड़ताल का कल दूसरा दिन रहा। आपको बता दें कि रोजाना नए नए कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। कल भाजपा और कांग्रेस के कई नेता भी नगरपालिका में पहुंचे एवं वेतन भोगियों से उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि इस चर्चा के बाद भी अब तक कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। मुलताई बैंक से पैसे लेकर जा रही महिला से चोरी करने वाली दो महिलाएं हुई गिरफ्तार। पवित्र नगरी मुलताई की पुलिस ने एक बैंक से पैसे लेकर जा रही गयाबाई नामक महिला से चोरी करने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी महिलाओं के पास से चोरी किए गए पैसे भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि उक्त मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। मुलताई हनुमान जयंती को लेकर तैयारियों में जुटे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सजाए चौक चौराहे। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की पवित्र नगरी मुलताई में हनुमान जयंती को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों को सजाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्राप्त खबरों के अनुसार हनुमान जयंती पर 14 से 16 अप्रैल 2022 तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
घोड़ा डोंगरी रानीपुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने और उसके गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने वाला आरोपी आखिरकार हुआ गिरफ्तार। घोड़ोंगरी तहसील के रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उक्त आरोपी को कल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि उक्त आरोपी के द्वारा दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता के गर्भवती हो जाने के पश्चात बैतूल के करुणा हॉस्पिटल में पहुंचकर उसका गर्भपात करवाया था, जिसके बाद घोड़ोंगरी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करते हुए मेडिकल के लिए अस्पताल लाया। भैंसदेही ग्राम देड़पानी में भीषण पेयजल संकट। पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं ग्रामीण। भैंसदेही के ग्राम पंचायत देड़पानी में इन दिनों नल जल योजना के प्रारंभ होने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा अभी भी 2 किलोमीटर दूर जाकर रोजाना सर पर गुंड रखकर पानी लाया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ताप्ती अर्जुन मीडिया से संपर्क किया था, जहां ताप्ती अर्जुन मीडिया ने पहुंचकर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा करी। चिचोली रूटीन प्रोसेस के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली में नगर परिषद के कर्मचारियों का बीएमओ ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल बीएमओ के द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर राजेश अतुलकर के द्वारा सीएमओ नरेश सिंह राजपूत की उपस्थिति में नगर परिषद कार्यालय में समस्त कर्मचारियों का कल स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान उनका बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन चेक किया गया। आठनेर नगर के बस स्टैंड अंबेडकर चौक पर 14 अप्रैल को मनाई जाएगी 130वीं अंबेडकर जयंती। आठनेर नगर के अंबेडकर नगर क्षेत्र में अंबेडकर चौक स्थित बस स्टैंड के पास 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसको लेकर द बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा जमकर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य रूपेश डोंगरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल को समाज संगठन के द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकालकर अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।